मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है मेरे चैनल नेहाज किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अरबी के पत्तों की वड़ी, जिसे आड़ू की वड़ी भी कहा जाता है, कुचाई के पत्तों की वड़ी भी कहा जाता है, जो खाने में बहुत ही कुरकुरी होती है और बच्चों को और बड़ों को खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिएगा और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबसे पहले ले लें 3/4 कप बेसन, फिर इसमें आप डाल दें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसमें बहुत ही कम सामान लगता है जो आसानी से हमारे किचन में रहता ही है। और फिर इसमें डाल दें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक, फिर उसमें आप डाल दें 1 चम्मच तेल। तेल जो है वो वड़ियों को अंदर से गर्माहट देगा और उसे बहुत ही अच्छा कुरकुरा बनाएगा, तो आप तेल डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर उसमें आप डाल दें आधा नींबू का रस। सभी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अरबी की कोई भी रेसिपी हो उसमें खटाई अच्छे से डाला जाता है ताकि वो थ्रोट में इचिंग ना हो। फिर आप इसमें धीरे धीरे करके ही पानी डालिएगा, इसका हमें अच्छा एक गाढ़ा घोल बनाना है। अगर आपने स्टार्टिंग में ही इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो फिर घोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला बन जाएगा और फिर वो उसकी वड़ियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। तो हमें कुछ इस तरीके का इसका एक अच्छा घोल बना लेना है, गाढ़ा सा। तो अब बारी आती है पत्तों में इसे लगाने का। तो पत्तों को आप पहले अच्छे से धो लें, फिर एक प्लेट के ऊपर आप पत्तों को उल्टा रख दें और उसके ऊपर ये घोल कुछ इस तरीके से आप लगाते जाएं। अगर आपके पास पत्ते डिफरेंट साइजेस के हैं, मतलब कुछ पत्ते बड़े हैं और कुछ पत्ते छोटे हैं, तो सबसे पहले आप बड़ा वाला पत्ता रखिएगा और उसके ऊपर फिर छोटे पत्तों का लेयर बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे हाथ से ही लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने चम्मच का यूज़ किया तो ये बहुत अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाता है। तो मैं हमेशा इसे प्रिफर करती हूँ कि हाथ से ही लगा सकूँ। तो 5 से 6 पत्तों का आप एक लेयर बना लीजिएगा। अगर कोई पत्ते गल गए हैं फ्रिज में रखने से या फिर खराब हो गए हैं तो आप वो पत्तों का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और फिर आप इसे अंदर की साइड गोल घुमा लीजिएगा। तो बेसन का जो घोल है उसे आप ऊपर साइड से भी लगाइएगा। तो कुकर में डालिएगा आप पानी, और कोई भी चौड़ा एक बर्तन ले लीजिएगा कुछ इस तरीके का, और उसे पहले आप तेल लगा लीजिएगा। तो तेल लगाने से ये जो हमारा रोल है वो इस पे चिपकेगा नहीं, तो आप कुछ ऐसा ही बर्तन लीजिएगा जिसमें ये रोल अच्छे से आ जाए। तो बर्तन में रखने के बाद आप इसमें जो बेसन का घोल है वो ऊपर से इस तरीके से लगा दीजिएगा, ताकि जो रोल है उसमें सभी तरफ से बेसन अच्छे से लग जाए, और उसे लो टू मीडियम फ्लेम में आप 15 से 20 मिनट तक भाप में पका लीजिएगा। भाप में पकने के बाद आप इसे चाकू से चेक कर लीजिएगा। इसमें अगर कुछ पका हुआ बेसन आता है तो भी ठीक है, क्योंकि इसे हमें बाद में फ्राई ही करना है। गीला बेसन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर ना पका हो तो 5 मिनट आप उसे और भाप में पका लीजिएगा। आप जो रोल है उसे 5 मिनट रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिएगा, और उसके बाद आप उसे कुछ 1/2 इंच के सर्कल में आप कुछ इस तरीके से इसे काट लीजिएगा। ये वड़ी महाराष्ट्र में आड़ू वड़ी या फिर धोपे पान की वड़ी के नाम से बहुत ही फेमस है। मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद है और स्पेशली मेरे बच्चे को। तो सारी वड़ियों को अब हम डीप फ्राई करेंगे। तो आप एक कढ़ाई या पैन ले लीजिएगा और उसमें तेल डाल दीजिएगा डीप फ्राई करने के लिए। तो तेल जब गर्म हो जाए आप उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक करिएगा कि वो अच्छे से गर्म हो चुका है कि नहीं। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिएगा, और इसे डालने के साथ ही आप इसे बिल्कुल पलटिएगा मत, नहीं तो ये टूटने लग जाएगी। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम ही रखिएगा। तेल बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, और 2 मिनट एक साइड से तलने के बाद आप इसे पलट दीजिएगा। एक साइड से फ्राई होने के बाद ये हल्के हो जाते हैं और इनके टूटने का कोई खतरा भी नहीं होता है। तो वड़ियों को हमको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये वड़ी सबसे पहले मैंने अपने सासू माँ के हाथों का ही खाया था, तो ये रेसिपी उन्होंने ही मुझे बताया है, तो आप इसे ट्राई बिल्कुल करके देखिएगा। हम इसे साइड डिश के जैसे लंच या डिनर के लिए बनाते हैं, पर तलने के बाद ही ये टेबल में आने के पहले ही खत्म हो जाती है। और वड़ियाँ दोनों साइड से तल के अच्छे से रेडी हो चुकी है, तो आप इसे तलने के बाद टिश्यू पेपर में निकाल दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो मेरी नेक्स्ट रेसिपी जो आ रही है वो भी एक वड़ी की है, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें,
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।